And then... It's my JC. Munchen Messi in Hanoi. They make very nice food. तेरो तो सही दूर नहीं अटकेलियां करो वहां पे सही बात है दैट दिस ग्लाउस दे कीप इट लाइक दिस एंड देन इट्स लाइक योर हर्ड साउंड राइट द सेकंड टाइम एंड देन यू आर वी हियर द मूवमेंट आई ट्राई वन इन फाइव फर्स्ट एक बार में शॉट जोड़ जाएगा लिटिल विकी विकी So what was the plan in Hanoi? Probably try to have a dinner on Saturday. Really? Yeah. So I have a free night in Hanoi. Proper life. Yeah, Saturday. So for Bung Cha, try to go with our pork and spin on. And I see something like that. Yeah. So if there's some information that can come up to us, then we can have a dinner. Dosto. ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट थैंक यू वेलकम ब्रेकफास्ट ओके एट बफेलो हॉस्टल इज माय जेल से हेलो गाइस वी आर हैविंग ऑक्टोबर फेस्ट इन वियतनाम विद यस यस हनोई में आज मेरा लास्ट दिन है और कुछ इस तरीके से था मेरा हॉस्टल रूम ये मेरा बेड था के 205 में के लाइट है चार्जिंग सॉकेट है पिलो है मैट्रेस और ये है ये मेरी वियतनाम की कैप है तो दोस्तों मैंने अभी आपको रूम टूर दिया मेरे हनोई हॉस्टल का अभी मैं आज मेरा लास्ट दिन है हनोई में वियतनाम में मेरी हनोई से मुंबई की फ़्लाइट है रात को 9:05 पे वियतनाम टाइम और करीब 4 घंटे में 5 घंटे में हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे ये मेरा वियतनाम का शायद लास्ट वीडियो है तो मैं आपको मेरी पूरी इथनरी बता देता हूँ ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक दो बेड पे लोग सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है 24 जून को हम लोग होचिमन सिटी उतरे थे मिडनाइट की फ़्लाइट थी मुंबई से अर्ली मॉर्निंग यहाँ उतर गए थे वहाँ से एयरपोर्ट की शटल बस ली थी और बुई वियन स्ट्रीट करके आ गए थे जहाँ पे हमारी होटल थी बुई वियन ही मेन स्ट्रीट है यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट जिसे कहा जाता है जो यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर कंट्रीज में होती हैं हर जगह वॉकिंग स्ट्रीट्स तो साहब 24 जून को हम लोग आ गए थे होचिमन दिन भर होचिमन में घूमे पोस्ट ऑफिस वहाँ का देखा इधर उधर की जगह देखी रात को वॉकिंग स्ट्रीट गए अगले दिन भी सेम था कुछ खास नहीं किया इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेकिन वहाँ हमने इंडियन खाना नहीं खाया हमारे साथ हमारे इंडियन फूड के प्रीमिक्सेस वगैरह थे दाल मक्खनी और थेपला और
नमकीन और ब्रेड हमने यहाँ से लोकल ले ली। फिर 24-25 पचीमन में थे, 26 को अर्ली मॉर्निंग की बस पकड़ी, करीब 10 घंटे में दलात पहुँच गए जो कि माउंटेन सिटी है वियतनाम की नॉर्थ की तरफ। पचीमन बिल्कुल साउथ में पड़ता है। दलात में हमने इंडियन खाना खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं था, पूरा खाना छोड़ा यूं का यूं। करीबन इंडियन रुपीज़ 1500 का खाना था 3 जनों के लिए, इनफ खाना था लेकिन टेस्ट नहीं बैठा तो छोड़ना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। दलात में फिर हम लोग, माउंटेन सिटी थी तो ज़्यादातर वॉक में ही घूमे। अगले दिन दलात के अंदर मॉर्निंग में उठे, दलात में हॉस्टल ले ली थी, वहाँ ब्रेकफास्ट था बढ़िया। आप मान के चलिए यहाँ वियतनाम में 500 रुपये पर पर्सन पर डे होटल चार्जेस है। होटल हो हॉस्टल कम में मिल सकता है और ब्रेकफास्ट के साथ में ही 500 में। और ड्रिंक्स यहाँ पे सस्ती हैं, सुपरमार्केट से लेंगे तो 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये की है। और अपने होटल हॉस्टल में पियेंगे तो वहाँ डबल है या लगभग इस रेट में मिल जाती है। पानी की बड़ी बोतल यहाँ पे 30 रुपये की है, जैसे इंडिया में भी सेम ही रेट है, वही रेट है। एक्वाफिना मिल जाता है, पेप्सी का। फिर दलात में हमने केबल कार वगैरह किया था, उसका वीडियो है। 24-25 को चीमन, 26 को दलात, 27 को हम लोग निकल गए थे बाय लिमोजिन बस इवनिंग में नाहतरंग। नाहतरंग हो ची मन से दलात 300 किलोमीटर था करीब, और दलात से नाहतरंग 150 किलोमीटर था। तो रात को करीबन 8:30 बजे हम लोग नाहतरंग पहुंच गए, वहां अपने होटल में चेक इन किया, बीच वगैरह देखा नाहतरंग में 2 दिन, थोड़ा बहुत क्लबिंग किया दोस्तों के लिए। 27 को नाहतरंग पहुंच गए, 28 को नाहतरंग थे, 29 को हम लोग निकले दानांग। 29 और 30 हम लोग दानांग में थे। दानांग में हमने बाना हिल्स देखी और स्कूटर रेंट किया, फिर होयन सिटी गए जो एंशियंट सिटी है, उसके वीडियो भी हैं, और मार्बल माउंटेन भी देखा, उसका वीडियो भी है। 3 जगह गए दानांग में। फिर दानांग से हमने बस पकड़ी, 13 घंटे की बस थी रात की, 7:30 हम निकले और अगले दिन मॉर्निंग में 5:30 बजे हनोई, 6 बजे करीब हनोई उतर गया। दोस्तों वियतनाम में सब लोग यहाँ पे काम काज जल्दी चालू हो जाता है, 6 बजे चालू हो जाता है, शॉप्स खुल जाती हैं, बसेस खुल जाती हैं, ऑफिसेज भी खुलते हैं शायद, और आफ्टरनून में क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ तो लंच ब्रेक होते हैं, शॉप्स भी काफ़ी बंद हो जाती है, कई बार मार्केट बंद हो जाते हैं, कई बार फूड के अलावा सारे मार्केट लगभग बंद हो जाते हैं आफ्टरनून में। करेंसी हमने हर जगह ज्वेलरी शॉप से करवाई चेंज, क्योंकि ज्वेलरी शॉप वाले अच्छी रेट दे रहे हैं, 1000 इंडियन रुपीस के 2,90,000 देते हैं यहाँ के डोंग, या 100 US डॉलर के देते हैं 23,70,000 23,80,000 डोंग 100 US डॉलर। फिर हनोई आके हमने लोकल बस पकड़ी और सीधे हमारे हॉस्टल आ गए। हनोई में ज़्यादा कुछ नहीं घूमा, यहाँ हम लोकल सिटी में हॉस्टल के आसपास ही घूमे। 2 दिन इंडियन रेस्टोरेंट बढ़िया मिल गया था यहाँ, 2-3 इंडियन फ्रेंड्स मिल गए थे सेम हॉस्टल में, बहुत ही बिजी हॉस्टल है ये और पार्टी हॉस्टल है मेनली, यहाँ हॉस्टल में बैठे और इंजॉय किया, स्विमिंग पूल वगैरह था। 2 की रात और 3 की रात इसी हॉस्टल में सोए हनोई में, बफेलो हॉस्टल। प्राइस लगभग सेम ही है, 500 रुपये पर डे पर पर्सन पर बेड। आज रात का हमारी फ्लाइट है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। दोस्तों हनोई में मेरा लास्ट दिन है और अभी बज रहे हैं करीबन 2:45 और रात को 9 बजे की मेरी फ्लाइट है हनोई टू मुंबई। हम लोग थोड़ा सा चिल आउट कर रहे थे हॉस्टल में, चेकआउट हमने कर लिया है और हम लोग अभी जाएंगे लंच करने जाएंगे और फिर इसके बाद लोग जाएंगे बस पकड़ के एयरपोर्ट, और रात को 9
9:30 की हमारी फ़्लाइट है, 9:05 वियतनाम टाइम हमारी फ़्लाइट है। तो ये मेरा लास्ट है यहाँ का क्लिप कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई रियली थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।